राजगढ़ जिले की कलेक्टर निधि निवेदिता ने जिला अस्पताल पहुंचकर एक गरीब युवती कविता दांगी के लिए किया रक्तदान। कलेक्टर निधि निवेदिता को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जिला अस्पताल में भर्ती एक लड़की को ब्लड की आवश्यकता है, जिसके चलते अचानक कलेक्टर मैडम खुद जिला अस्पताल पहुंच गई व रक्तदान किया। आपको यह बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण का मतदान राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 12 मई को हुए है। दिन भर क्षेत्र में भ्रमण व लगातार चुनावी तैयारियों व देर रात तक ईवीएम जमा कराने के चलते हुई थकान भी कलेक्टर को ब्लड देने से नहीं रोक पाई। संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये एक पेशेंट है कविता दानी, उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी, तो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए और ऐसे में ये इसमें बेसिकली तीन चीज़ें थी। मुझे लगा रक्तदान देने से एक तो मैं किसी की मदद भी कर पाऊँगी और दूसरा मेरा जो ब्लड है वो वापस से रिसाइकल होगा, फ्रेश ब्लड जनरेट होगा बॉडी में, मुझे और हेल्दी बनाएगा। और साथ ही कल हमने मतदान किया था तो इसकी ये उंगली थी और आज हमने रक्तदान किया है तो इसका ये बाजू। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी, प्रशासन बहुत जल्द एक ब्लड कैंप भी लगाएगा जिसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अच्छा, तो आप बोला था हमने 3-4 दिन पहले से तुमने व्यवस्था की। अच्छा, तो आपको क्या मतलब काईग्री ब्लड और फिर बीमारी क्या है, आपको क्यों लगता है? पेट दर्द होता है। अच्छा, कम कैसे हो गया ब्लड, कम क्यों हो गया? तबीयत खराब हो गई, कम हो गया। अच्छा, अभी कितने ग्राम है? 5.6। अच्छा, 5 ग्राम, तो चढ़ना जरूरी है।